नमस्कार, मैं हूं ममता शर्मा। आप देख रहे हैं AN247 न्यूज राजस्थान। वाल्मीकि समाज ने राजीव गांधी कॉलोनी से अंबेडकर सर्किल तक समाज की बिटिया मनीषा व परिजनों को न्याय की मांग के लिए निकाली रैली। फुलेरा, हाल ही में हाथरस में वाल्मीकि समाज की बिटिया मनीषा के साथ हुई अत्यंत दुखद व शर्मनाक घटना की मैं पुरनजोर शब्दों में निंदा करते हुए उसी बच्ची व उसके परिवारजनों को राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी से और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से जल्द ही न्याय दिलवाने की गुहार को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में फुलेरा वाल्मीकि समाज ने 5:15 बजे राजीव गांधी कॉलोनी से अंबेडकर सर्किल तक समाज की बिटिया मनीषा व परिजनों को न्याय की मांग के लिए रैली के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए मोदी व योगी सरकार मुद्दाबाद के नारे लगाए। वहीं अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर मोमबत्ती जलाकर सभी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मनीषा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा, अब्दुल लतीफ कुरेशी, दिलीप जाजोरिया व वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने घरों से यहाँ आकर बाबा अंबेडकर साहब के, जिन्होंने संविधान की संरचना करी, उस संविधान की अवहेलना की जा रही है, बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक है और बाबा साहब से ही अनुरोध करते हैं कि अपने संविधान को साथ में लेते हुए इन हत्यारों को, मनीषा बिटिया के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। मनीषा के हत्यारों को फांसी।